नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। सांता क्रूज ज्वेलर्स एसोसिएशन की आज मीटिंग। सांता क्रूज ईस्ट के विहार पेज होटल में संपन्न हुई। इस मीटिंग में खास तौर पर महाराष्ट्र राज्य सर्राफा फेडरेशन MRSSF के उपाध्यक्ष भंवरजी मेहता को बुलाया गया था। उनके साथ में HUID, हॉलमार्क और MCX से किस तरह से बिजनेस करना चाहिए उसको समझाने के लिए कुछ बाहरी लोग आए थे, अधिकारी लोग। उन्होंने सांता क्रूज के सभी जितने भी ज्वेलर्स है जो इस एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, करीब 150 से अधिक मेंबर हैं, उन सबको MCX के बारे में और HUID के बारे में मार्गदर्शन किया। और इस मीटिंग का आयोजन, एक बार फिर से बता दें, ये मीटिंग का आयोजन सांता क्रूज की विहार वेज होटल में रखा गया। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, तस्वीरें उसी कार्यक्रम की है जहां पर मीटिंग के पहले आने वालों का सभी का स्वागत किया गया, सत्कार किया गया, उसके बाद में मीटिंग में चर्चा की गई। इस कार्यक्रम के अंत में सांता क्रूज ज्वेलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और MRSSF के उपाध्यक्ष, इन्होंने क्या कुछ कहा वो सुनिए आप आगे वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, हमारे साथ बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। आपका नाम? प्रकाश चंद्र सिंघवी जैन। प्रकाश जी, आज आपके एसोसिएशन की मीटिंग थी, क्या कुछ मुद्दे थे? एसोसिएशन में कौन कौन मेंबर है और कहां कहां के लोग जुड़े हुए हैं, और क्या कुछ चीज़ों पर चर्चा हुई, क्या कुछ उसमें निर्णय निकले? हमारी एसोसिएशन सांता क्रूज कलीना सांता क्रूज जस्ट ईस्ट वेस्ट कलीना वाकोला तक फैली हुई है और लगभग 150 मेंबर हैं, जिसकी आज सबकी मीटिंग हुई और उसमें MCX और HUID ऑफिसर्स आए हुए थे। MCX वालों ने अपनी तरफ से MCX के बारे में बताया। HUID ने आज की तारीख में HUID कितना ज़रूरी है उसके ऊपर उन्होंने अपनी तरफ से समझाया। इसमें आपको क्या लगता है कि आपके जो ज्वेलर्स लोग हैं उनको इनकी बातों पे अमल क्यों करना चाहिए? सबका अपना अपना बिजनेस बढ़ रहा है, बिजनेस बढ़ने के साथ में आज की तारीख में HUID कंपलसरी गवर्नमेंट की तरफ से कंपलसरी हो गया है। इसके लिए सबको HUID का लाइसेंस लेना, BIS का लाइसेंस लेना कंपलसरी हो गया है। इसके लिए ऑफिसर्स जो आए थे उन्होंने अच्छी तरह से सबको समझाया कि क्यों लेना चाहिए और आपको लेने के बाद में आपको क्या करना है, उसके ऊपर उन्होंने विस्तृत चर्चा की। ज्वेलर्स के साथ में सबसे बड़ी समस्या है उसकी सुरक्षा की। कई बार ऐसा देखा जाता है कि ज्वेलर दुकान में लूट होती है, तो ऐसे समय में आपकी संस्था जो है कितने एकजुट होकर उस ज्वेलर का साथ देती है? हमारी संस्था पूरी तरफ से सबके सब एशियन मेंबर के साथ में जुड़ी हुई है और सभी को अपनी सुरक्षा के लिए आगाह किया हुआ है और सभी अपने दुकानों में CCTV वगैरह, वॉचमैन, सभी उन्होंने अपने अपनी सुरक्षा के लिए पूरा ध्यान रखते हैं। कुछ मैसेज देना चाहेंगे? बस इसी तरह HUID और की जैसी मीटिंग होती रहे। एवरी 6 महीने में हमारी एक मीटिंग होनी चाहिए, जिससे सभी एक दूसरे से जुड़े रहें और अपनी कोई प्रॉब्लम हो तो एक दूसरे से शेयर करते रहें। सर, आपका नाम? बसंती लाल चौथमल जी परमार। बसंती लाल सर, आज की मीटिंग के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या इसमें आपको लगा कि किस तरह से ज्वेलर्स एसोसिएशन का या ज्वेलर्स लोगों का उत्थान किया जा सके? हमारा ज्वेलर्स एसोसिएशन इससे तो पहले सक्रिय था और इसके बाद आज जो मीटिंग हुई इसमें हमारे को दो बातों का बहुत अनुभव मिला। एक तो हमारे को UTI गोल्ड के बारे में समझाया गया और दूसरा हमारे को इनके अपने क्या बोलते हैं HUID हॉलमार्क के बारे में समझाया गया। उसके बाद क्या बोलते हैं ये अपना MCX के बारे में, दोनों बारे में अच्छी व्यापारी को जानकारी दी गई। किसी को आपको इन्वेस्ट करना है तो MCX में है और इसके बाद HUID का सोने के हिसाब से अच्छा व्यापारी लोग को फ्यूचर में अपना भविष्य बना रहेगा
और अपना गुडविल बनाने का व्यापारी ज्वेलर्स एसोसिएशन का, इसलिए ये HOI बनाना HOI लेना जरूरी है। लगभग जितने भी हम व्यापारी इकट्ठे हुए थे वो सभी लाइसेंस होल्डर थे, सबसे बड़ी विशेषता ये रही। और इसके बाद जो भी कुछ बाकी रखे उनको सर लोगों ने बताया, आप लाइसेंस ले लीजिए और गोल्ड का धंधा आप आराम से कीजिए, आपको किसी तरह की गवर्नमेंट की तकलीफें नहीं आएगी, ये पक्का उन्होंने हमको वायदा दिया। और उनकी बात भी सही है, अगर सही काम करेंगे तो अपने कोई तकलीफ नहीं आएगी। इस तरह का हमारा अच्छी रहा, उसके बाद समाप्त। आज भी इस तरह से मीटिंग आप लेना चाहेंगे क्या? आगे की इस तरह की मीटिंग और लेना चाहेंगे? हाँ, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम बुलाएंगे और करेंगे। और आज की मीटिंग में हमारे खास हेल्पर, हमारे खास सहयोगी श्रीमान भवनलाल जी साहब, मेहता बाइंदर और बूथी वाले का बहुत अच्छा सहयोग रहा। उसके साथ सर इंस्पेक्टर श्री विक्रम जी का बहुत अच्छा सहयोग रहा, जो हमको समझाने में बहुत ही अच्छा सपोर्ट दिया। इसको हमें बहुत खुशी हुई और जानकारी मिली। हमको ऐसी मीटिंग आगे भी होती रहेगी तो व्यापारी सक्रिय बने रहेंगे और अपना कार्य सही रूप से कर पाएंगे। आपका नाम? बबर के मेहता, महाराष्ट्र राज्य सरापा सोनकार फेडरेशन का वाइस प्रेसिडेंट। आपका नाम पूछने की जरूरत तो नहीं थी, फिर भी हमने पूछा क्योंकि लोगों को इंट्रोडक्शन हो जाए। और जब आपने अपने नाम के साथ में सरापा एसोसिएशन का नाम बताया तो इस एसोसिएशन की दिन ब दिन तरक्की होती जा रही है, उसी सिलसिले में आज इस एसोसिएशन के साथ में ये सांताक्रूज एसोसिएशन जुड़ी है, तो आप क्या कहना चाहेंगे सांताक्रूज एसोसिएशन? हमारे वेस्टर्न रेलवे के सभी ज्वेलर्स के जितने भी एरिए है, जो भी परे एरिए है, वो सभी जुड़े हुए हैं, लेकिन अपने अपने हिसाब से अपने अपने अध्यक्ष अपने अपने संभाल जो संभालते हैं। लेकिन जबकि कोई अच्छा मैटर रहता है या कोई HOD वाला मैटर होता है वगैरह, तो हम सब एक साथ में सम्मिलित होकर उस बाबत में बरोबर उसको समझ के ले लेते हैं, क्योंकि आगे किसी भी व्यापारी को कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए। आज भी ऐसी मीटिंग हमारी MCX के साथ हुई और वही HOD वाले हॉलमार्किंग सेंटर के साथ हुई। विक्रम जी आए थे, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से हमारे व्यापारियों को अवगत कराया और उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी चीज़ है, जैसे आप अच्छी क्वालिटी ग्राहक को देंगे आपकी ग्राहकी जुड़ेगी, और हॉलमार्किंग चीज़ जाने से ग्राहकों में एक जो असमंजस है वो निकल जाएगा, ग्राहक को अच्छा माल जाएगा और ग्राहक अच्छी क्वालिटी लेंगे और ग्राहक उससे बढ़ेंगे। आज से 2 साल के बाद में मैंने सबको चैलेंज किया कि आपकी ग्राहकी जो है वो डबल हो जाएगी। कई बार देखा जाता है कि हॉलमार्किंग में चीटिंग होती है, और M6 की बात करते हैं, M6 तो पूरा डिपेंड ही ऑनलाइन है, तो कई वेबसाइट ऐसी फेक बना के उस पर M6 ट्रेडिंग की जाती है, तो इस बारे में कैसे सावधान रहा जा सकता है? देखिए, हॉलमार्किंग का ऐसा है कि हॉलमार्किंग कोई फेक करवाते हैं और कोई कराता भी है तो उसके लिए बाय चांस किसी भी व्यापारी को अगर मालूम पड़ता है, क्योंकि पहले खाली हॉलमार्किंग था, अभी हॉलमार्किंग के साथ में HOD हो गया है। HOD होने के बाद में वैसी कोई फेक चीज़ होनी बहुत मुश्किल है, और अगर कुछ होगी तो इतना कम से कम हमारे हॉलमार्किंग सेंटर तक जाएगी, मेल जाएगा, उसके ऊपर कार्रवाई होगी, हॉलमार्किंग सेंटर के ऊपर भी कार्रवाई होगी, क्योंकि उन्होंने क्लियर कहा है आज कि हॉलमार्किंग सेंटर के ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। और बाकी ये जो आप कह रहे हैं कि मतलब व्यापारी कोई भी आदमी अपनी दुकान में अपनी सुरक्षा जो रहती है वो अपने हाथ में रहती है, CCTV कैमरा लगाना, दुकान में इंश्योरेंस करवा के रखना और सिक्योरिटी वगैरह देखना, अपना दिन का भी कंप्लीट इंश्योरेंस निकाल के रखिए। अगर कोई आदमी आपकी दुकान से बाहर जाता है, बाजार भी जाता है, उसका भी आप इंश्योरेंस निकाल के रखिए, और 24 आवर्स वाला, मतलब 24 आवर्स वाला इंश्योरेंस निकाल के रखिए, कभी भी कोई भी हादसा हो जाए। दोपहर में बाई चांस कोई दुकान बंद करते हैं तो आपको आपका जो भी सामान है वो अंदर रखना है, ये इंश्योरेंस में नहीं आता है। तो ये सब चीज़ें व्यापारियों को सुरक्षा में लेनी पड़ेगी। CCTV कैमरे हैं, ये अपने हूटर सिस्टम है, तो इससे क्या होगा, दिनों दिन जागरूकता आएगी और लोगों में ये जो घटना है दिनों दिन, क्योंकि जैसे जैसे सोने का भाव बढ़ रहा है वैसे वैसे घटनाएँ और बढ़ेगी, और उसके ऊपर प्रतिबंध लाना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे ही प्रतिबंध आएगा जब हमारे व्यापारी जागरूक होंगे। मेरा सवाल था M6 की जो फेक वेबसाइट्स होती है उसके ऊपर ट्रेडिंग करके लोगों को फंसाया जाता है, उससे कैसे बचा जा सकता है? देखिए, M6 की जो फेक वेबसाइट जो आप कह रहे हैं, वैसे
MCX की फैक वेबसाइट का, ये खुद MCX वाले ने मुझे एक बार कहा था, तो मैंने उनसे एक ही बात करी कि देखो अगर आपकी कोई फैक्स वेबसाइट चलती है आप उसको पकड़ में ले सकते हैं, आप उनको हर तरह से उसकी FIR वगैरह करवाइए कि हमारी FIR मतलब हमारी जो MCX की जो हमारी वेबसाइट है उसका ये कोड वर्ड है, उसका ये है, ऐसा करके आप करेंगे तो शायद आगे के लिए फेक वेबसाइटें बंद हो जाएगी। अंत में कुछ संदेश है? बस यही संदेश है, व्यापारी अच्छे से धंधा करिए, कोई भी कानून नया निकलता है तो थोड़े दिन व्यापारियों को तकलीफ होती है, GST आया तो लोग काफ़ी डर रहे थे पहले, अभी GST लोग सामने से भर रहे हैं, अच्छा कॉपरेट कर रहे हैं गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट को भी अच्छा कलेक्शन आ रहा है, अभी GST की जगह अभी HOD और हॉलमार्किंग आया है, तो व्यापारी 100% HOD करवाएंगे, हॉलमार्किंग होगा, और लाइसेंस भी हमारे 99% लोगों ने ले लिया है, HOD भी करवाएंगे, और हॉलमार्किंग सेंटर में जाकर जब जाएंगे तो दो चार बार जब जाएंगे तो ऑटोमेटिक उनको भी मालूम पड़ेगा कि भी हमें अच्छा माल देना है ग्राहक को, और अब प्रायोरिटी बढ़ा के सही तरीके से धंधा करेंगे तो 100% आपकी दुकान बहुत आगे बढ़ेगी, ये आने वाले भविष्य में मैं सबसे मैंने वादा किया है। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।